हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स, मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एनचैंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए पिक कार्ड रीडिंग्स लेकर आई हूँ। टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की आपको लेकर अगले 7 डेज तक क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स रहेंगी। गाइस, यही हम जानेंगे, तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप 3 ग्रुप्स देख सकते हो। ग्रुप 1, ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल। ग्रुप 2, सिट्रीन क्रिस्टल। ग्रुप 3, एमिथिस्ट क्रिस्टल। तो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स गाइस, फोकस कीजिए। जो भी ग्रुप या क्रिस्टल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे, आप उस ग्रुप या क्रिस्टल को चूज कर सकते हो। एंड व्हाइल डूइंग दिस यू कैन पॉज दिस वीडियो। ऑलराइट गाइस, वेलकम ग्रुप 1। तो यहाँ पर अगले 7 डेज तक आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज का शिफ्ट क्या बना रहेगा, यही हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, शैडो, हीलर ऑफ द एजेस एंड ट्रेजर आइलैंड। इन एनर्जीज के साथ एक वाइब मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लियरली पिक हो रही है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई कार्मिक एंगल जुड़ा हुआ है। इस पर्सन ही के साथ आपकी एक हीलिंग भी जुड़ी हुई है। मतलब अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होगा, इंटेंस अट्रैक्शन होगा। लेकिन इस पर्सन की तरफ आप फुल्ली ओपन अप नहीं हो सकते, क्योंकि पास्ट इवेंट्स के कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं, आइदर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है या फिर इस पर्सन ने आपको चीट किया है। इस वजह से इस पर्सन की तरफ आप फुल्ली ओपन अप नहीं हो सकते या फिर बढ़ नहीं सकते, कोई नेक्स्ट एक्शन में नहीं आना चाहते। जबकि ये पर्सन हमेशा से ही आपको अपनी ज़िंदगी में क्रेव करते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन की तरफ आपका एक कंटिन्यूस फेमे रेजिस्टेंस बना होगा। लेकिन अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि आप सोचते हो इनकी तरफ आप फुल्ली आगे बढ़ें, बट नहीं बढ़ पाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी एंगल भी हो सकता है। इस पर्सन ने अगर आपसे थर्ड पार्टी सिनेरियो छुपा कर रखा था, तो वजह यही है कि इस पर्सन पर आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट? और क्योंकि इस पर्सन के साथ आपकी एक हीलिंग जुड़ी है, जैसे कि मैंने कहा, तो आप शायद ऐसा महसूस भी करते होंगे कि इस पर्सन की तरफ एक लीप ऑफ फेथ लिया जाए, लेकिन आप ले नहीं पाते। इवेंचुअली आप दोनों ही एक दूसरे से रेजिस्टेंस में आ जाते हो। कभी ये फुल्ली आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते या फिर आप इनकी तरफ फुल्ली आगे नहीं बढ़ सकते। एक यहाँ पर ट्रस्ट इशू है 100%। कोई ना कोई ऐसा ट्रस्ट इशू आप दोनों के बीच में बन गया है, जो एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल है। यहाँ पर कोई भी एक दूसरे पर फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक शैडो वाली एनर्जीज हैं गाइस। तो ऑफकोर्स इस पर्सन के साथ अभी भी आपका एक गिव एंड टेक बचता है। इस पर्सन की वजह से आप अपने लाइफ के बहुत सारे एरियाज पर आइदर ट्रिगर किए जाओगे या फिर ऑलरेडी ट्रिगर्ड हो चुके हो, जिस वजह से आपने अपना शैडो साइड फाइंड आउट किया है, अपने शैडो साइड को आपने डिस्कवर किया है। जो जो भी आप में कमियां थी या फिर जो जो भी आपके टैलेंट्स या क्वालिटीज थे, उस पर आपने वर्क करना शुरू किया। और इवन आप में जितनी भी सारी कमियां थी, उन सारी कमियों पर भी आपने वर्क करना शुरू किया। तो ये इनके साथ भी मैं कहूँगी, आपके आने के बाद से इनकी भी ज़िंदगी बहुत सारे वेज में चेंज हो गई। आपने इनके भी शैडो साइड्स पर इनसे वर्क करवाया होगा, आपने भी इन्हें कई सारे वेज में ट्रिगरिंग दी है गाइस। और इनको भी पता चला कि इनके ज़िंदगी के शैडो साइड्स क्या थे और इन्हें अपनी ज़िंदगी में एक अपग्रेडेड वर्जन में आने के लिए क्या क्या करना चाहिए, राइट? इसीलिए आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एक कार्मिक एंगल भी शेयर करते हो, जहाँ पर आप एक दूसरे को ट्रिगरिंग्स देते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस की भी एनर्जीज हैं। जिस वे में आप एक दूसरे को ट्रिगरिंग देते हो, उसी वे में आप एक दूसरे को हील भी करते हो। जब इस पर्सन की तरफ से आप आउट ऑफ द ब्लू सुन लेते हो या फिर इस पर्सन की एक अराइवल या अपीयरेंस अपनी ज़िंदगी में आप जब देखते हो, क्योंकि एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही होगी, जब भी आपकी ज़िंदगी में कमबैक करते हैं, आपको
एक हीलिंग मिलती है, आपको खुशी मिलती है। और ऐसा भी मैं कह सकती हूँ, इस पर्सन का वल्नरेबल साइड आपको हीलिंग देता होगा। जितना भी ये आपको क्रेव करें या फिर जितना भी आपको मांगते हैं, उतने ही आपके अंदर एक हीलिंग महसूस होती होगी। और सेम इनके साथ भी वही केस है, जितना आप इनके तरफ वो वल्नरेबल साइड दिखाते हो, उतनी ही हीलिंग्स इन्हें भी मिलती है गाइस। तो आप दोनों एक दूसरे को इस वे में क्रेव करते हो, जहां पर आप दोनों ही एक दूसरे को चाह रहे हो, मांग रहे हो, एक दूसरे ही के लिए आप एक लॉन्गिंग में हो, यू नो, ऐसी वाली एनर्जीज हैं आपकी। यहाँ पर ट्रेजर आइलैंड की एनर्जीज हैं। इस पर्सन की वजह से हो ना हो, आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे वेज पर काम किया, और जिस वजह से आपकी ज़िंदगी की जो डायरेक्शन है वो एक ट्रेजर आइलैंड की तरफ प्रोसीड होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एंड इस पर्सन के साथ भी यही सिनेरियो है गाइस, के आपकी वजह से इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कई सारे एरियाज़ में वर्क किया और अपनी ज़िंदगी को संवार लिया। ये भी एक उसी डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहे हैं जहाँ पर इनके लिए भी एक ट्रेजर आइलैंड है। तो 100% आप दोनों हील होते हुए एक यूनियन की तरफ ही पहुँच रहे हो गाइस। अगर आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ये डेस्टाइंड है, तो ऑफकोर्स गाइस आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ट्रेजर आइलैंड की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, और साथ ही साथ एक दूसरे को हील भी कर रहे हो और ट्रिगरिंग के साथ एक दूसरे को अपग्रेड भी कर रहे हो। फाइन, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, राइट? तो इनकी तरफ से जितने भी आपको लेसन्स सीखने को मिले, उन सारे लेसन्स को आपने अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया है। मतलब आप इस पर्सन से काफ़ी सारे वेज में सीखते ही आए हो, इस पर्सन ने आपका नुकसान नहीं किया। अगर नुकसान हुआ भी है तो वो आपके अच्छे के लिए हुआ होगा गाइस, और इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अगर आपकी वजह से इनका भी कोई नुकसान हुआ है तो इनके अच्छे के लिए ही हुआ है, और ये होना था, डेस्टाइन था, ताकि आप दोनों अपनी ज़िंदगी के एक बेटरमेंट की तरफ प्रोसीड किए जाएं, राइट? इन कार्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। तो इन एनर्जीज से इट इज़ क्वाइट क्लियर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पर्सन ने आइदर आपके साथ एक अनफेयर वे में बिहेव किया था, आपके साथ इन्होंने एक इनजस्टिस वे में बिहेव किया, जिस वजह से इस पर्सन की तरफ आप कम्प्लीटली भरोसा नहीं कर पाते। बट इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में होना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में अपीयर होते हैं, आपको एक हीलिंग मिलती है, या आपके हीलर भी हैं, साथ ही साथ आपको ट्रिगर भी देते हैं। तो इनका साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा गाइस। और ये जब पर्सन आपकी लाइफ से वॉक अवे हो जाते हैं तो आप इन्हें मिस करते हो। इनकी एनर्जी आपके लिए चाहिए, इनकी एनर्जी से आप शायद हील होते हो, और इवन अभी भी आप इन पर एक फुल्ली ट्रस्ट नहीं रख पाते, लेकिन इस पर्सन का आपके ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आपके बारे में एग्जैक्टली यही सोचते हैं गाइस, या आपकी तरफ पूरी तरीके से ओपन अप नहीं हो पा रहे होंगे। इन्होंने एक बिगिनिंग आपकी तरफ शायद प्रेजेंट की होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर एक शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक अगर खामोशी आप दोनों के बीच में बनी हुई है, इट जस्ट मीन्स दैट के ये पर्सन आपको शायद ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पर्सन शायद आपको किसी सिचुएशंस में डालकर टेस्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या आप बदल गए, क्या आप चेंज हो गए, इनके लिए जो भी आपके ख्यालात हैं क्या वो ख्यालात बदल गए, और इवन क्या आप अब इनके साथ एक जस्टिस वाले एनर्जीज में आ सकोगे, या फिर इन्हें इनके मिस्टेक्स के लिए क्या आप माफ़ कर सकोगे, इनके साथ एक इंसाफ में आ सकोगे। तो इन्हीं सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स में ये आपको लेकर बने हुए हैं। अगले 7 डेज तक हो सकता है इस पर्सन की तरफ से आप आइदर एक न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर ऑलरेडी यहाँ पर एक शुरुआत हो चुकी है तो मे बी ये जो आप लोगों की कन्वर्जेशन या कम्युनिकेशन है, जो लेवल है अभी, ये एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है, राइट? तो यहाँ पर और भी जो कार्ड्स हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील। तो ये एनर्जीज आप लोगों की हैं गाइस। हो ना हो,
इस पर्सन ने जब आपको कांटेक्ट किया है या फिर एक कम्युनिकेशन में जब ये आपके लिए आए हैं, तो इस बात से आप बहुत ज़्यादा खुश हो। इस पर्सन ने शायद आपसे माफ़ी मांगी होगी, क्योंकि ये जस्टिस वाले एनर्जीज में है, तो 100% इस पर्सन ने अपना वल्नरेबल साइड दिखाना शुरू किया होगा आपके सामने, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो। और इनमें आप एक किंग ऑफ वॉन्ड्स देखते हो, यानी कि मे बी ये पर्सन आपके लिए एक ड्रीम पर्सन होंगे, बहुत ज्यादा चार्मिंग होंगे, इनका ऐसा एक चार्मिंग एटीट्यूड होगा जहां पर आप इनकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस करते हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इस पर्सन पर आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए शायद आपने अभी भी चीजों को एक डिवाइन टाइमिंग के लिए छोड़ दिया है। भले ही अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, एक मैग्नेटिक पुल भी है, बट इस पर्सन के साथ आप फुल्ली ओपन अप नहीं होना चाहते। भले ही आप दोनों एक दूसरे के साथ एक कम्युनिकेशन में बने होंगे, एक बिगनिंग में आ भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, क्योंकि आपको बिलीव है कि डिवाइन टाइमिंग पर सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पर अभी आपका किसी भी तरह का एक्शन आपको दोबारा से किसी परेशानी में लैंड कर सकता है, जो कि आप परेशान नहीं होना चाहते। आप अपनी ज़िंदगी में शायद अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, या फिर आप जहाँ पर भी बने हुए हो उस पोजीशन पर आप बने रहकर इनके लिए भी एक ऑब्जर्वर की तरह एक्ट करना चाहते हो। आप इनके शायद एक्शंस को नोटिस कर रहे होंगे, आप देखना चाहते हो कि ये आगे और क्या क्या कर सकते हैं, क्या इन पर दोबारा से ट्रस्ट किया जा सकता है। तो मे बी आपने भी इनको एक समझ लो ऑब्जर्वेशन में ही रखा है। तो यहाँ पर दोनों ही आप एक दूसरे के लिए मिरर कर रहे हो गाइस, इसीलिए शायद शैडो वाली एनर्जीज आप लोगों के लिए आई थी कि यू गाइस आर मिररिंग ईच अदर हर वेज में। जैसा आप इनके बारे में सोचते हो वैसा ही ये भी आपके बारे में सोचते हैं। एक पावर स्ट्रगल भी होगा आप दोनों के बीच में, ना ये झुकना चाहेंगे ना आप झुकना चाहेंगे। ऐसा भी कोई सिनेरियो हो सकता है कि अगर एक कन्वर्सेशन आपने स्टार्ट कर दी या फिर इन्होंने कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी, तो अगली बार आप खुद से कोई इनिशिएशन नहीं लेते होंगे। आप चाहोगे कि अब इनकी बारी है, अब इनको इनिशिएशन लेना है, और जब ये कुछ वहां से एक एक्शन लेते हैं तो आप रिएक्शन के लिए रेडी होंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर मुझे सिनेरियो नजर आ रहा है। तो वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, टू ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, टू ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में दो सिचुएशंस में आप लोग शायद जगल कर रहे होंगे गाइस। जैसे कि मैंने कहा कि इस पर्सन के साथ जो भी आपकी सिचुएशन है उसको आपने डिवाइन टाइमिंग पर सरेंडर कर दिया है, क्योंकि हो सकता है आइदर यहाँ पर कुछ लोग मैरिड होंगे, ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में होंगे। अगर ये जो पर्सन है ये मैरिड है, ये ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो ऑफ कोर्स आप शायद वेट करना चाहते हो कि ये एक बैलेंस लेकर आए, मतलब अपनी जिंदगी को ये एक बैलेंसिंग सिचुएशन में लेकर आए, तब आप इनकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ ले सकते हो। लेकिन टिल दैट टाइम आप कुछ भी नहीं करना चाहते यहाँ पर। इवन मैं ये आपके लिए भी कहूँगी, अगर आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन है, जैसे कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और ये जो पर्सन है ये आपके साथ एक अगर कनेक्शन में आना चाहते हैं, तो यू गाइज आर एक्चुअली नॉट अलाउविंग दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एक मैरिज है या फिर एक जो एस्टैब्लिश्ड बॉन्ड है, उस बॉन्ड के साथ और इस पर्सन के साथ आप एक जगल सिचुएशन में हो, तो इसीलिए शायद आप पूरी तरीके से फैसला नहीं ले पा रहे हो। क्योंकि हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अपनी इस मैरिज को बचाना चाहते हो। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टीज नहीं है तो ऑफकोर्स गाइज इस पर्सन के साथ एक कमिटमेंट में आने के लिए आपको हो सकता है अपने सोसाइटी या फिर रिलीजियस नॉर्म्स के साथ एक बैलेंस में आना पड़ेगा। हो सकता है आइदर रिलीजियस वे में आप दोनों एक दूसरे से डिफर करते होंगे, इवन हो सकता है कास्ट वाइज, सोसाइटी वाइज, इवन एज गैप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, स्टेटस वाइज अगर आप एक दूसरे से डिफर करते हो, तो इस चीज़ को बैलेंस में लाने के लिए शायद आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। या फिर इस पर्सन के लिए भी कहूँगी, ये भी शायद आपके साथ एक कमिटमेंट में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, ये एक बैलेंस महसूस नहीं कर पा रहे हैं गाइस, इसलिए शायद ये आपको कमिटमेंट आइदर नहीं दे पा रहे हैं,
या फिर एक शादी का जो वादा है वो ये आपसे शायद नहीं कर पा रहे होंगे। एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको प्रपोज करके रखा है, तो आप शायद श्योर नहीं होंगे कि इस पर्सन के साथ एक मैरिज बॉन्ड में आना है या नहीं आना है, क्योंकि आप किसी और एक सिचुएशन के साथ यहाँ पर जगल कर रहे हो गाइस। तो अब देखते हैं कि व्हाट कैन बी द सजेशन एंड एडवाइस फॉर यू इन दिस सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, सेवन ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर अभी आप हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हो, इवन आपके पास और भी चॉइसेस होंगे। जैसे कि मैंने कहा भी कि टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई थी, अगर आप लोगों की लाइफ में दो तरह की सिचुएशंस हैं, इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इस पर्सन के टूवर्ड्स आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करते हो, लेकिन शायद आपके माइंड और हार्ट में एक अलाइनमेंट नहीं है, एक स्ट्रगल होगा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। तो आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए गाइस। जब आप अपनी इंट्यूशंस की सुनोगे तो आपको शायद वहाँ से कोई एक क्लियर वे, एक क्लियर पाथ शो होगा, जिसके चलते आप एक लाइफ टाइम कमिटमेंट की तरफ लीड हो सकोगे। अगर इस पर्सन के साथ आपको लाइफ टाइम कमिटमेंट में आना है तो आपको अपनी दिल की सुनना पड़ेगा। अगर आपका दिल आपसे ये कहता है कि टू वॉक अवे, देन यू हैव टू वॉक अवे। अगर आपका मन ये कहता है कि इस पर्सन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो आप इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर एक स्ट्रगल देख रही हूँ मैं, और मोस्टली ये आप ही लोगों का स्ट्रगल है ग्रुप वन। अगर आपको एक डिसीजन मेकिंग में आना है तो आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप शायद चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख पाओगे। शायद फोर फ्रंट के चलते आप इस स्ट्रगल में बने हुए हो, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करके आंसर्स वहाँ से सीख करने हैं, राइट? तो आई होप ये जो शिफ्ट था आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। और अगर आपको लगता है कि ये आप लोगों का ग्रुप नहीं है, तो यू कैन चूज सम अदर ग्रुप फ्रॉम द लिस्ट गाइस। ऑलराइट, तो मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप टू। तो नेक्स्ट 7 डेज तक आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यही हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, इंट्यूशन, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, गो द डिस्टेंस। इन एनर्जी से एक वाइब ऐसी आ रही है कि किसी पर्सन ने आपकी तरफ अगर अपने प्यार का इजहार नहीं किया है, लेकिन आपको बस नज़र आता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे कनेक्टेड महसूस करते हैं, लेकिन कभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मोस्टली ये एक ऐसा कनेक्शन होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन एक दूसरे की तरफ एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने अपने प्यार का इजहार इन्हें शो किया है, अपना प्यार इनके सामने एक्सप्रेस कर चुके हो, लेकिन इस पर्सन की तरफ से अभी तक आपको कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिला है, तो तब भी यहाँ पर आपको शायद एक इंट्यूशन ज़रूर होगा कि ये पर्सन आपको चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू फ्यू रीजंस ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। मोस्टली ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, और आपका जो इंट्यूशनल साइड है इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ता है गाइस। इनके मन में क्या चल रहा होता है, इनके माइंड में क्या चल रहा होता है, आप बस अपनी इंट्यूशन से ही फाइंड आउट कर सकते हो। तो काफ़ी टाइम तक अगर ऐसा सिनेरियो आप दोनों के बीच में बना हुआ है कि ये पर्सन खुलकर आपकी तरफ कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ऑफकोर्स गो द डिस्टेंस वाली एनर्जी से एक सिनेरियो यहाँ पर ऐसा बिल्टअप हो सकता है कि ये पर्सन एक एक्सप्रेशन में आ सकते हैं, एक लीप ऑफ फेथ में आ सकते हैं। मतलब एक कनेक्शन को, जो भी आप दोनों के बीच में अभी जैसा भी एक कनेक्शन है, उस कनेक्शन को ये नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। भले ही डायरेक्टली ये कुछ ना भी कह पाए, आपको शायद ऐसे इशारे, ऐसे जेस्चर्स ये दे सकते हैं जहाँ पर ये आपको बता सकें कि आप जिस तरह इनके लिए महसूस करते हो, ये भी वही फीलिंग आपके लिए महसूस करते हैं, और जितना आप इन्हें चाहते हो उतना ये भी आपको चाहते हैं। यहाँ पर वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ये हो सकता है ग्रुप टू आप लोगों की एनर्जीज हैं इस पर्सन के लिए। एक अनकंडीशनैलिटी आपने शायद इस पर्सन के लिए रखी होगी, आपने अपने हर एक्शन से इस पर्सन को शायद दिखा दिया है कि
ये पर्सन आपके लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और काफ़ी टाइम तक आप इनके लिए अगर चेजर बने हुए थे, अपना वल्नरेबल साइड अगर आपने इनकी तरफ शो किया था, तो आप शायद इनको ट्रिगरिंग देने के लिए या फिर इनको इस जोन से निकालने के लिए आपने हो सकता है कुछ टाइम के लिए वॉक अवे किया होगा, इनकी तरफ आपने वो एक्सप्रेशन रखना छोड़ दिया होगा। आपके पर्सन को पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप वॉक अवे भी शायद इसीलिए हुए होंगे कि इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता होगा या कोई एक्सप्रेशन ये भी नहीं शो करते होंगे। तो जब आपने इनसे वॉक अवे किया है फॉर द टाइम बीइंग, तो इस पर्सन को एक ट्रिगरिंग ज़रूर मिल रही है जिस वजह से ये गो द डिस्टेंस वाली एनर्जीज में आ सकते हैं। आपकी तरफ ये कोई अप्रोच में आ सकते हैं या फिर कोई एक्शन में आ सकते हैं या विद फ्यू जेस्टर्स ये आपके तरफ शो कर पाएंगे गाइस कि आपकी प्रेजेंस इनकी ज़िंदगी में क्या मायने रखती है। तो यही यहाँ पर एक सिनेरियो बिल्टअप हुआ है गाइस। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना एक लव साइड दिखाना बंद कर दिया है और इसी वजह से आपके पर्सन को एक ट्रिगरिंग मिल रही है। तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिचुएशन हियर। द वर्ल्ड, 8 of Swords, 5 of Cups, 10 of Pentacles। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर होगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, तो वजह यही है कि उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये जब तक रिलीज नहीं होते तब तक शायद ये आपकी तरफ कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकेंगे और ये बात शायद आप जानते हो। और मोस्ट ऑफ द अदर केसेस में अगर ये थर्ड पार्टी सिनेरियो एक फैमिली लाइफ है, तो ज़रूर इनकी फैमिली शायद इस कनेक्शन के लिए एक अप्रूवल में नहीं है और शायद इसी वजह से ये खुद को रिस्ट्रिक्टेड मानते हैं। और एक और भी बात होगी गाइस, भले ही प्रॉब्लम कुछ भी हो, इनकी ज़िंदगी का जो भी एक ऑब्स्टिकल हो, ये आपको खोना नहीं चाहते। ये आप में एक अपनी कंप्लीशन मानते हैं, यानी कि आप इस पर्सन को कंप्लीट करते हो। अगर ये अपनी ज़िंदगी में एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में बने हुए थे, तो आप पर इनकी सर्च आकर ख़त्म होती है। तो आप ही वो पर्सन हो जिन्हें ये डिज़ायर करते हैं, जिनके लिए इन्होंने शायद सपना देखा था कि मुझे मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो मुझे कंप्लीट कर सके, जो मेरे लिए एक परफेक्ट मैच हो। तो आप इनके लिए एक परफेक्ट मैच हो, बट इनके ज़िंदगी में एक शायद ऑब्स्टिकल है, हर्डल है, जिसकी वजह से ये खुद में एक रिस्ट्रिक्शंस महसूस करते हैं गाइस। और जब से आप इनसे वॉक अवे हुए हो या फिर जब से आपने इनकी तरफ वो चेजर वाला एटीट्यूड दिखाना बंद कर दिया, तब से इनको एक फीलिंग ऑफ लॉस या डिसकंटेंटमेंट महसूस होता है। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपको शायद बहुत ज़्यादा याद करते होंगे ये। ऑलराइट, तो यही इनकी एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 of Pentacles, 3 of Pentacles, ये आप लोगों की एनर्जीज़ हैं। जैसे कि मैंने कहा, इस पर्सन को आपने इस सिचुएशन में जानबूझकर डाल दिया है, आपने अपना इन्वेस्टमेंट इस कनेक्शन में बिल्कुल ही कम कर दिया या फिर बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया है। आप नहीं चाहते कि अब आप अपना वल्नरेबल साइड इस पर्सन को दिखाएं, क्योंकि एक पैटर्न सा बन गया था कि आप ही गिविंग एंड पर बने रहो और इस पर्सन की तरफ से कोई रेसिप्रोकेशन नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो बात यहाँ पर आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ रही थी, तो इसीलिए शायद आपने बिल्कुल ही इनकी तरफ एक कोलैबोरेशन रखना छोड़ दिया और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आपने छोड़ दिया। आपने सारी बातें, हो सकता है, डिवाइन पर सरेंडर कर दी हैं और एक फेज़ आपने क्रिएट किया है। आप एक ऐसे फेज़ में शायद चले गए होंगे जहाँ पर आप एक रिसेप्टिव एंड पर हो। इस पर्सन को शायद आप देखना चाहते हो, इस सिचुएशन में जानबूझकर डालकर आप इस पर्सन का एक्शन देखना चाहते हो, ये पर्सन क्या करते हैं, इनका रिएक्शन देखना चाहते हो कि ये क्या करेंगे। अगर मेरा एक बिहेवियर इस पर्सन की तरफ चेंज हो जाता है, तो इस पर्सन का क्या एक रिएक्शन आता है। और आप बहुत ही ज़्यादा ईगरली इस पर्सन को रीड करना चाहते हो, क्यूरियसली शायद आप इस पर्सन का रिस्पॉन्स देखना चाहते हो कि अब ये किस वे में एक्ट करेंगे, अब ये क्या करेंगे, इस सिचुएशन को ये कैसे ठीक करेंगे, आप देखना चाहते हो। आप इनसे प्यार बहुत करते हो
और शायद आप इन्हें खोना भी नहीं चाहते, आपने गिव अप बिल्कुल नहीं किया, आप बने हुए हो लेकिन दूर से शायद आप इन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो। शायद आप इनसे यही कहना चाहते होंगे कि अब आपको एक डिसीजन मेकिंग में आना होगा, अब आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, कुछ तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसीलिए गो द डिस्टेंस वाली एनर्जीज आई थी। आप चाहते हो कि ये कुछ करें, इस सिचुएशन को स्टैग्नेशन में काफ़ी टाइम तक इन्होंने रहने दिया, अब आप चाहते हो कि ये कुछ करें। आप अकेले इस कनेक्शन को आगे नहीं लेकर जा सकते, राइट? अब आप चाहते हो कि इनका भी साथ आपको मिले, इजंट इट? अब देखते हैं कि वेयर इट इज एग्जैक्टली लीडिंग। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हायरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स ये किसी रिस्ट्रिक्शन से छूट सकेंगे गाइस, बट क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, इट इज़ अ वेरी स्लो एनर्जीज। लेकिन जब तक ये एक किसी जो रिस्ट्रिक्शंस में अटक गए हैं, फंस गए हैं, जब तक ये वहाँ से कम्प्लीटली रिलीज नहीं होते, तब तक हो सकता है ये आपकी तरफ वो एक्सप्रेशन ना दिखा पाए। ये आपकी तरफ कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, जैसे कि अगर कम्युनिकेशन बंद हो गई है आप दोनों के बीच में, तो ये कम्युनिकेशन ज़रूर स्टार्ट करेंगे आपके साथ, रिज्यूम करेंगे आपके साथ, एक वही इक्वल गिव एंड टेक में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब बात एक कमिटमेंट की है या फिर एक लव एक्सप्रेशन की है, तो वहाँ पर और भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि इस पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जहाँ पर ये मैनेज नहीं कर सकते अभी। राइट नाउ दे आर नॉट रेडी, तो दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। बट हाँ, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, ये आपके लिए विश करते हैं, आपको चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, और एक मैनिफेस्टेशन में बने हुए हैं कि कभी तो इनको ऐसा मौका मिले जहाँ पर ये अपनी सारी उन ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस से आज़ाद हो जाएं और आपकी तरफ एक एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आए। मतलब एक नई बिगनिंग, एक कमिटमेंट, एक शुरुआत आपकी तरफ ये प्रेजेंट कर सकें, कुछ भी लीस्ट वे में नहीं, परफेक्ट वे में। इसीलिए शायद जब तक ये अपने आप में वो 100% नहीं बिल्टअप कर लेते, जिस भी सिचुएशन में ये बने हुए हैं वहाँ से ये पूरी तरीके से जब तक रिलीज नहीं हो जाते, तब तक ये अपने इस प्यार को छुपा कर ही रखेंगे। लेकिन दे केयर फॉर यू अ लॉट गाइस, ये आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा एक केयरिंग एंड नर्चरिंग एनर्जीज में होंगे। इनको आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो इन्हें उन सारी प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा है और आपको ये अकेला नहीं छोड़ना चाहते, ये आपके साथ बने रहेंगे, आपका साथ देंगे। लेकिन बात जब कमिटमेंट की आएगी तो इन्हें और टाइम चाहिए। गो द डिस्टेंस वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी। तो आपको एक यहाँ पर इंतज़ार रखना पड़ेगा कि वंस दिस पर्सन विल गेट रेडी, तो ये 100% आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ में आ जाएंगे गाइस, और ये आपकी तरफ वही एक्शन ले सकेंगे जिस एक्शन का आपको बेसब्री से इंतज़ार है। आप लोगों के लिए इस सिचुएशन में क्या सजेशन एंड गाइडेंस है? जैसे कि आप देख सकते हो, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। हो सकता है इस पर्सन की तरफ से एक रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से आप एट टाइम्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते होंगे और बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करते होंगे इस पर्सन की तरफ, और इवन शायद आप ऐसे सेंटेंसेस भी इनसे कह देते होंगे कि अब सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा, यू नो। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस पर्सन के लिए आप इंतज़ार कर सकते हो, यहाँ पर एस ऑफ सोर्स एंड द स्टार वाली एनर्जीज आई हैं गाइस। ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी टाइम तक आपकी बनी नहीं रहेगी, यहाँ पर कुछ ज़रूर शिफ्ट होगा आप लोगों के लिए। आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है, और इस पर्सन के लिए जब आप एक इंट्यूशन में बने हुए हो, जब आपको सब कुछ पता है कि इस पर्सन की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम दिया जाए और इस पर्सन की प्रॉब्लम्स को समझा जाए। एक क्लियर कम्युनिकेशन में इनके साथ आप बने रह सकते हो, जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स भी इनसे कहें और इनकी प्रॉब्लम्स भी आप पूछ सकते हो, ताकि आप दोनों ही
इस सिचुएशन में कोई एक पॉजिटिविटी तलाश कर सकें, एक बैलेंस तलाश कर सकें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके आप इस कनेक्शन को मेंड कर सकें गाइस। तो यही आप लोगों के लिए सजेशन है कि काफ़ी टाइम तक आप लोगों के लिए ये सिचुएशंस बनी नहीं रहेंगी, बस आपको एक क्लैरिटी में रहना है और ट्रस्ट रखना है अपने उस फेथ के साथ, अपने उस उम्मीद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होने मत दीजिए और अपने माइंड में क्लैरिटी बना कर रखिए। जो भी चीज़ें इस सिचुएशन में अनसर्विंग हैं उनको डिक्लटर कीजिए। जानबूझकर अगर आपने कोई सिचुएशन बिल्टअप करके रखी है, जानबूझकर अगर ऐसे सेंटेंसेस आपने इस पर्सन से कह दिए हैं कि ये जल्द से जल्द कोई एक्शन लें, तो आपको समझना होगा इनकी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स आपकी डेडलाइंस के हिसाब से नहीं सॉल्व हो सकती। कुछ चीज़ें कार्मिक लेवल पर भी होती हैं गाइस। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को ठीक कर लोगे तो ज़रूर आप दोनों ही एक मैनिफेस्टेशन में आ सकोगे, जो एक म्यूचुअल मैनिफेस्टेशंस होंगी और म्यूचुअल मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं गाइस। ऑलराइट, तो आप लोगों के लिए आज के इस शिफ्ट में बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में बहुत जल्द, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 3। तो अगले 7 डेज तक आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है यही हम जानेंगे गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, चूज वाइजली द थिंकिंग मैन एंड मैसेज इन अ बॉटल। तो इन एनर्जी से एक वाइब ये पिक हो रही है कि ये जो भी आपके पर्सन हैं ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। कन्फ्यूज्ड मैं इसलिए कह सकती हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ये एक एक्शन में आना चाहते हैं और एक्शन आइदर किस वे में लिया जाए इस बात को लेकर ये कन्फ्यूज्ड हैं, या फिर इस बात को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपकी तरफ अगर इन्हें एक टॉकिंग टर्म्स में आना है या फिर आपके टूवर्ड से अगर ये काफ़ी टाइम से एक एक्शन लेना चाहते थे, एक अप्रोच में आना चाहते थे, वो एक्शन वो अप्रोच क्या होना चाहिए इस बात को लेकर ये आइदर सोच रहे हैं या फिर आपकी तरफ एक एक्शन लिया जाए भी या नहीं इस बात को भी लेकर सोच सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप दोनों काफ़ी टाइम से एक सेपरेशन जोन में बने हुए हो गाइस, तो ज़रूर ये पर्सन आपकी तरफ एक अप्रोचेबल एनर्जीज में आना चाहते हैं, भले ही पास्ट इवेंट्स में इनके साथ कोई कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट आप लोगों का हुआ था, तो ये आपके साथ एक शायद मेंडिंग सिचुएशंस में आना चाहते हैं। हो सकता है फ्रॉम द फार दे आर ऑब्जर्विंग यू और आपको अंडर द ऑब्जर्वेशन रखकर ये काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं अपने एंड पर, किसी सिचुएशन को और ही डीपर वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए। ये इनकी सेल्फ थिंकिंग हो सकती है, सेल्फ रियलाइजेशन हो सकती है। इवन अगर बहुत लोग यहाँ पर एक वन साइडेड कम्युनिकेशन में हो, जैसे कि आप ही इनकी तरफ एक जेस्चर रखते हो या फिर वन वे मैसेजिंग, वन वे जो भी आपके तरफ से ही अगर एक कम्युनिकेशन इनकी तरफ बना हुआ है, तो इस पर्सन को शायद आप किसी बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होंगे गाइस। तो ये आपके उन सारी बातों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एब्जॉर्बिंग एनर्जीज में हैं, रिसेप्टिव एंड पर हैं, चीज़ों को ये बस एक स्पेक्टेटर की तरह बैठकर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और जब ये एक एक्शन के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है इन्हें नहीं पता कि आपकी तरफ जो अप्रोच रखा जाए वो किस वे में हो, फाइन, और इसी वजह से ये कन्फ्यूज्ड हैं। चूज़ वाइजली, यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस होंगे इनके पास। अगर आपने अपनी तरफ से काफ़ी सारी बातें इन्हें कह दी हैं, इवन आपकी कन्वर्सेशंस में भी कोई डायरेक्शन है, ऑप्शंस हैं, ये कुछ टाइम अपने लिए लेकर सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपके दिए गए ऑप्शंस को ये अच्छी तरह से एनालाइज करना चाहते हैं, तब आपकी तरफ कोई ये एक्शन ले सकेंगे। यहाँ पर मैसेज इन अ बॉटल वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि ये आपके साथ पहले कम्युनिकेशन में आएंगे, ये सीधे सीधे शायद एक्शन नहीं लेंगे आपकी तरफ, ये आइदर किसी के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचाएंगे, क्योंकि मैसेज इज इन द बॉटल और ये जो न्यूज़ है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाया भी आ सकती है आपकी तरफ, या फिर डायरेक्टली अगर है तो ये आपसे कुछ
पहले इनडायरेक्ट मैसेजिंग या इवन कॉल पर भी आप लोगों की कन्वर्सेशन हो रही है, तो पहले ये आपसे बात करेंगे और ये सोचेंगे, चीज़ों को ऑन अ डीपर लेवल एनालाइज करेंगे, तब ये आपके दिए गए ऑप्शंस में से शायद चूज कर सकते हैं। अगर बहुत लोगों के लिए इफ़ इट इज़ अबाउट अ लाइफ टाइम कमिटमेंट या फिर जस्ट एक फ्रेंडशिप को भी लेकर है, जो भी आपने इनकी तरफ ऑप्शंस दिए हैं, यू गाइज मस्ट बी नोइंग। लेकिन ज़रूर इनके लाइफ में आइदर कोई ऑप्शंस हैं या फिर आपने इनसे कुछ कहा होगा जहाँ पर आपने डायरेक्शंस दी हैं कि आइदर दिस वे और दैट वे या फिर कोई बीच का रास्ता, यू नो, जो भी आप लोगों के बीच में एक डिस्कशन हुई है, उस डिस्कशन को लेकर ये शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ऑप्शन टू ऑप्शन, थॉट टू थॉट कंपेयर करना चाहते हैं, तभी कोई ये एक्शन आपकी तरफ ले सकेंगे। गाइस, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द चैरियट, टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स। तो ऑफकोर्स इस पर्सन की जो ज़िंदगी है आपके बगैर शायद बहुत ज़्यादा अधूरी होगी और ज़रूर यहाँ पर एक मैरिज का ही प्रपोज़ल होगा। अगर आपने इस पर्सन की तरफ एक मैरिज प्रपोज़ल दिया है या फिर लाइफ टाइम कमिटमेंट का अगर आपने इन्हें एक ऑप्शन दिया है गाइस, तो ये उस ऑप्शन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी खाली है। ये हो सकता है सिंगल होंगे, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, इवन डिवोर्सी हो सकते हैं या विडोड हो सकते हैं, जो भी हैं इनकी लाइफ में ये अकेले रहते हैं और इन्हें भी अपनी ज़िंदगी में एक कंप्लीशन चाहिए, एक कमी है इनकी ज़िंदगी में। और मोस्टली इनकी जो ज़िंदगी है एक बर्डन वे में चल रही है, मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो ये अकेले हैंडल कर रहे हैं। इन पर अगर किन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है तब भी ये बर्डन है, या फिर अगर लिटरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो इनकी ज़िंदगी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अकेले होंगे। यू नो, ऐसे कोई सिचुएशन ज़रूर है इनकी ज़िंदगी में जहाँ से ये भी बाहर निकलना चाहते हैं, ये भी अपनी डिज़ायर्स की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और आप में इनको एक डिज़ायर नज़र आता है, आप में ये अपनी लाइफ की कंप्लीशन देखते हैं। गाइस, एक हैप्पी फैमिली की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, टेन ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं, तो ऑफ कोर्स ये आपके साथ इस हैप्पी फैमिली को अचीव करना चाहते हैं, राइट? ये आपके बारे में जब भी सोचते हैं, ये द सन, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में आ जाते हैं। हो सकता है आपके साथ अगर पास्ट इवेंट्स में इनके जो भी कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, ये उन सारी सिचुएशंस को मेंड करना चाहते हैं। पहले तो ये उन सारी बातों को पूरी तरीके से मेंड करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, तभी ये आपके साथ एक कोलैबोरेशन में आना चाहते हैं। इसी वजह से अगर ये साइलेंट हैं, खामोश हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूर ये इन्हीं बातों के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी में आना चाहते हैं, एक फर्म फाउंडेशन आपको देना चाहते हैं, कोई भी चीज़ लिम्बो में ये नहीं रखना चाहते या फिर कोई आधा अधूरा डिसीजन ये आपकी तरफ प्रेजेंट नहीं करना चाहते। जो भी डिसीजन देंगे वहाँ पर फर्म रहेंगे और यही इनकी एनर्जीज हैं, इसीलिए इन्होंने शायद आपसे ब्रेक ले लिया है। अगर सेपरेशन में चले गए हैं तो वजह यही है, अभी ये पूरी तरीके से शायद रेडी नहीं है। इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और डायरेक्शंस होंगे जहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी को ले जाना चाहते हैं, इसलिए ये टाइम ले रहे हैं गाइस, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए इन द लॉन्ग रन कौन सा रास्ता सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन इनके लिए सही रहेगा, किस डायरेक्शन में इन्हें जाना चाहिए, राइट? तो यही ये सारी बातें सोच रहे हैं आपको लेकर। इवन यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स हैं गाइस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द फूल। तो इवेंचुअली जैसे कि मैंने कहा कि ये आपकी तरफ एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि ये कोई आधा अधूरा डिसीजन आपके सामने प्रेजेंट नहीं करना चाहते। ऐसा बहुत बार हो भी चुका होगा आप दोनों की लाइफ में, अगर एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी रही है जहाँ पर एक डिस्कशन होती थी, फिर उस डिस्कशन में किसी बात को लेकर अगर डिसएग्रीमेंट या फिर एक कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स अगर हो जाते थे, आप दोनों की अगर थिंकिंग मैच नहीं करती थी, इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं रहा है इस कनेक्शन में, हमेशा आप एक गिविंग एंड पर रहे और ये रिसीविंग एंड पर रहे हैं, तो
ये शायद इसी बात को लेकर सोच रहे हैं कि अब ये रिसीविंग एंड पर नहीं रहना चाहते, ये भी इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, आपके इवन प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। हो सकता है ये किसी प्रोजेक्ट पर इवन काम कर रहे होंगे गाइस, प्रोजेक्ट या प्लानिंग कह सकते हो, और भी चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर अपनी ज़िंदगी में इन्हें अपने किसी लाइफ के एरियाज़ पर इन्हें काम करना है जहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशंस बनी हुई हैं, तो ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस पर पहले वर्क करना चाहेंगे और एक स्टेबिलिटी में आना चाहेंगे, ताकि ये अब आपकी तरफ जो भी एक प्रपोजल प्रेजेंट करें वो आपके लिए स्टेबल और एक फर्म फाउंडेशन के चलते ही हो। एक मैरिज प्रपोजल मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, ये आपकी तरफ अगर कोई प्रपोजल प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो एक मैरिज प्रपोजल हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, ये आपके साथ एक इमोशनल फुलफिलमेंट में आना चाहते हैं, जहाँ पर किसी बात की कोई कमी ना हो, किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, ये आपको एक कंप्लीशन दे सकें। और आपने इस कनेक्शन पर जितना भी एफर्ट रखा है, इन्वेस्टमेंट रखा है, इवन पेशेंस रखा है, ये आपकी तरफ एक फ्रूटेशन लेकर आना चाहते हैं। मतलब आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट रहा है, आपका जितना भी इंतज़ार रहा है, वो इंतज़ार वेस्ट ना जाए, उस इंतज़ार का आपको एक प्रॉपर वे में फ्रूटेशन मिले, एक आपके डिज़ायर की, आपकी विश की एक फुलफिलमेंट उसमें मिले, यही ये कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर द फूल वाली एनर्जीज हैं, तो इट मीन्स दैट ये अभी भी कहीं ना कहीं स्टक मानते हैं खुद को, आइदर एक कन्फ्यूजन में या फिर लिटरल किसी ऑब्स्टिकल के साथ ये खुद को रिस्ट्रिक्ट मानते हैं, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि ये अपने लाइफ के किसी एरिया पर वर्क कर रहे हैं, जब तक उसकी कंप्लीशन नहीं हो जाती ये खुद में एक फ्रीडम नहीं महसूस कर पाएंगे। तो जो भी ये कर रहे हैं, ये जब तक एक फ्रीडम में नहीं आ जाते, जहाँ पर इनकी लाइफ में कोई बंधन ना हो, कोई बाउंड्रीज ना हो, कोई लिमिटेशंस ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, तब तक इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस। वैसे भी ये सोच रहे हैं और आपकी तरफ एक फर्म फाउंडेशन ही लेकर आना चाहते हैं, लेकिन टिल दैट टाइम एक आप लोगों की लाइफ में एक बिगिनिंग हो सकती है। मैसेज इन अ बॉटल वाली एनर्जीज यही कहती हैं आपसे कि इस पर्सन की तरफ से आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर बातचीत आपकी ज़रूर होगी, लेकिन कमिटमेंट ये आपको तभी देंगे जब ये पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे, या फिर या पूरी तरीके से ये आज़ाद हो जाएंगे जिस भी रिस्ट्रिक्शन में ये बंधे हुए हैं। ऑलराइट, यहाँ पर आप लोगों के लिए सजेशंस के लिए कार्ड्स आए हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए सजेशन यही है गाइज, इस पर्सन के बिहेवियर्स की वजह से अगर आप एक पेन में हो, एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो कि इस पर्सन की तरफ से कोई रेसिप्रोकेशन आता ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं है, तो जस्ट लिसन टू द इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन ज़रूर आपसे कहेगा कि दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज, कि ये पर्सन डेडिकेटेड है आपको लेकर। अगर आप थोड़ा सा अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको वाइब मिल जाएगी और इस पेन से आप बाहर आ सकोगे। जो भी पेन अभी आपको शायद महसूस हो रहा होगा, इस पर्सन की तरफ से जो भी कोल्ड रिस्पॉन्स है या फिर बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन अगर आप देख रहे हो, तो वजह यही है कि दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट। ये जो भी हो रहा है बिहाइंड द सीन हो रहा होगा, आपके फोर फ्रंट पर ऐसी कोई भी चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही, इसीलिए आपको अपने इंट्यूशनल साइड से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें ये आपके लिए हो रही हैं वो आपका सबकॉन्शियस जानता है, आपका इंट्यूशन जानता है। अगर आपको डाउनलोड्स भी मिल रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, तो बिलीव दोज डाउनलोड्स गाइस, उन साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि यूनिवर्स इज ऑल्सो वर्किंग बिहाइंड द सीन, ताकि इस पर्सन को पुश कर सके आपके टुवर्ड्स। अगर ये पर्सन आपके लिए एक मैनिफेस्टेशन है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होने वाली है गाइस। ऑलराइट, तो यही है आपके लिए सजेशन के तौर पर, जो भी गाइडेंस आपको यहाँ पर मिली है, तो जस्ट फॉलो दीज गाइडेंस टू ओवरकम दिस सिचुएशन, टू ओवरकम दैट पेन। ओके, आई होप ये शिफ्ट आप लोगों के साथ ज़रूर रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो,
और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो, मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।